हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल टॉपिक प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो इस यूनिट से आप ये समझेंगे कि नर्स का पेशेंट के लिए एक सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या रोल होता है, ठीक है, और कैसे वो एक पेशेंट को प्लीजेंट सराउंडिंग्स या कंफर्ट और सेंस ऑफ वेलबिंग कैसे प्रोवाइड कर सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल, जिनके कारण वो प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट करवा सकती है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे एडिक्वेट लाइटिंग हो सकती है ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, या फिर जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि उसके पेशेंट की नॉर्मल बॉडी फंक्शन को प्रमोट किया जा सके। और एयर मूवमेंट है, जो पेशेंट यूनिट का एयर मूवमेंट है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए, जिसके कारण उसकी जो बॉडी और स्किन और वास्कुलर जो चेंजेस हैं वो मेंटेन रह सके, ठीक है। और उसके बाद में और क्या क्या कर सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी मेंस की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो रिफ्यूजस है या फिर एक्सक्रीटा है उसको प्रॉपर डिस्पोजल उसका होना चाहिए, और जो पेशेंट के सराउंडिंग्स में या पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जो भी जिनसे पेशेंट कांटेक्ट है, या फिर जैसे कि सराउंडिंग्स के जो फर्नीचर है इन सब पे जो धूल जमा हो जाती है, तो उनको उनको भी कैसे क्लीन करें, तो उनके लिए भी रिमूवल ऑफ डस्ट एंड इंजूरियस केमिकल्स या फिर पैथोजेनिक बैक्टीरियाज इन सब को कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है, और इन इन सबको इन एटमोस्फेरिक एयर से भी कैसे रिमूव किया जाता है वो भी हम देखेंगे। और उसके साथ में जो जिनको पेशेंट मतलब जो 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 उसके सराउंडिंग्स में जो जो उस फर्नीचर वगैरह जो भी होता है जो पेशेंट हैंडल करता है उसकी क्लीनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और पेशेंट को ऐसा प्लेस प्रोवाइड कराना चाहिए जो फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड एनिमल पेस्ट हो, ठीक है, और फायर हैजार्ड्स और केमिकल इंजरी से भी पेशेंट को बचाना चाहिए, और और जो ऑडर्स होती हैं और जो नॉइसेस होते हैं उनसे भी फ्री फ्रॉम रखना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। और उसके साथ साथ पेशेंट को प्राइवेसी भी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जो जिसमें कि पेशेंट अपने आप को सेफ महसूस करे ऐसे एनवायरनमेंट में। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट्स या फिर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनसे कि पेशेंट की हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले होता है टेम्परेचर। तो जो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करता है, जो कंफर्ट जोन में होता है वो कितना होता है, वो होता है 22 डिग्री सेल्सियस या फिर 68 टू 72 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। और जो आइडियल टेम्परेचर होता है उसके अंदर पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, और अगर पेशेंट मान लो कि पेशेंट में अगर कोई भी तरह की कोई डिस्कम्फर्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। और टेम्परेचर ही इफ़ेक्ट डालता है पेशेंट पे कि वो समर्स में या विंटर्स में कैसे पेशेंट की कंफर्ट या उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी सेफ्टी पे कैसे इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो जो लो टेम्परेचर होता है या फिर पेशेंट जिसमें कि सीवियर कोल्ड में ज़्यादा टाइम तक एक्सपोज हो रहा है, पेशेंट लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है पेशेंट में, कुछ भी जैसे हाइपोथर्मिया हो सकता है पेशेंट को,
और या फिर फ्रोस्ट बाइट भी हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट क्या होता है? इंजरी इज कॉज्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ स्किन एंड टिश्यू। तो फ्रोस्ट बाइट कहाँ कहाँ पे हो सकता है? पेशेंट की फिंगर्स, टॉयज, नोज, ईयर, चीक्स या चिन वगैरह पे फ्रोस्ट बाइट देखने को मिलता है। तो ये एक्सेसिव हीट के कारण, एक्सेसिव टेम्परेचर के कारण, कोल्ड के कारण ये कंडीशन हो सकती है पेशेंट को। और जो ओल्डर अडल्ट्स होते हैं या फिर यंगर पेशेंट होते हैं जिनमें कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन होती है, या फिर जिन पेशेंट जो पेशेंट एक्सेसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ऐसे पेशेंट में हाइपोथर्मिया का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में हाई टेम्परेचर देखते हैं। मतलब पेशेंट अगर हाई टेम्परेचर में लंबे समय तक एक्सपोज होता है तो उसके क्या चेंज होंगे? उसके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी चेंज हो सकता है पेशेंट के, और कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण हीट स्ट्रोक की कंडीशन देखने को मिलती है। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी वगैरह, इन सब का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हीट स्ट्रोक हो सकता है। और ऐसे पेशेंट जिनको हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से रिस्क होता है, ऐसे पेशेंट को एक्सट्रीम हॉट या हाई इन्वायरमेंट से अवॉइड करना चाहिए, उनको प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि उनको वो हीट स्ट्रोक से बच सके। ठीक है, और हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि जो किस कंडीशन में होता है? जब टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का हो टेम्परेचर। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे इफ़ेक्ट डालती है? तो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर की अमाउंट होती है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और ह्यूमिडिटी के इफेक्ट के कारण जो स्किन का जो मॉइस्चर है उस वो इवापोरेशन होता है, उसमें इवापोरेशन होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल जो ह्यूमिडिटी की रेंज होती है वो 40-60% होती है। ठीक है, जिसमें जो कि एक कंफर्टेबल रेंज मानी गई है। ठीक है, और उसके बाद में जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी होती है वो जो एयर होती है, जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी वाली एयर होती है वो पेशेंट की हेल्थ और सेफ्टी पे भी इफ़ेक्ट डालती है। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट में अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए होम लेवल पे भी ह्यूमिडिफायर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिनका यूज़ करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट में बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, बड़ी भी ह्यूमिडिटी होती है एयर में, उसकी वजह से क्या होता है कि जो पल्मोनरी सिक्रीशंस होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से पेशेंट की ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाती है। और उसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड, नॉइज। तो नॉइज कैसे एक पेशेंट की कंफर्टेबल पे या फिर कैसे उस पर इफेक्ट डालेगी? नॉइज क्या होती है? नॉइज इज डिफाइंड एज रोंग साउंड इन द रोंग प्लेस एट द रोंग टाइम। तो रोंग नॉइज मतलब अपन शोर भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि एक रोंग साउंड होती है जो कि रोंग प्लेस पे और रोंग टाइम पे होती है नॉइज। ठीक है, और नॉइज क्या करती है कि अफेक्ट कैसे डालती है? नॉइज जो होती है वो इरिटेबिलिटी कॉज कर सकती है और रेस्टलेसनेस एंड फैटिग भी कॉज करती है पेशेंट में। ठीक है, और इसके साथ साथ नॉइस
स्लीप को भी इंटरफेयर करती है पेशेंट के, ठीक है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के भी के स्लीप में को भी नॉइस इफेक्ट करती है, लेकिन हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट की स्लीप को नॉइस बहुत इफेक्ट करती है अगर पेशेंट एक्यूटली इल है तो। और इसके साथ साथ डिग्री ऑफ द नॉइस भी, जो डिग्री ऑफ नॉइस है वो भी उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या हम मेजर्स करते हैं वो देखते हैं कि भाई अगर नॉइस फ्रिक्शन के कारण कॉज हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए किसी भी चीज़ के फ्रिक्शन से नॉइस प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी फर्नीचर या फिर किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट से अगर नॉइज़ हो रही है तो, जैसे कि ट्रॉली या व्हील चेयर वगैरह से, तो उसके लिए हम उनमें रबर टायर्स का, कैस्ट्रोल्स का वगैरह का यूज़ करके नॉइज़ को कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पेशेंट के लिए इको प्रूफ रूम भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा अवॉइड ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स एंड कंट्रोल द यूज ऑफ रेडियो टीवी ड्यूरिंग द रेस्ट आवर्स। ओके, पेशेंट के रेस्ट आवर्स में रेडियो टीवी पे भी कंट्रोल होना चाहिए। और उसके साथ साथ कि स्टाफ को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लाउडली वो बात नहीं करे, लाउडली नहीं हंसे, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट इरिटेबल हो सकता है। और हैवीली वॉकिंग भी नहीं करे, जैसे ज़ोर ज़ोर से चलना, आवाज़ करना, इन सब को भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो विस्परिंग करते हैं, जो खुसफुसाहट करते हैं स्टाफ आपस में, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे भी पेशेंट में एंजाइटी कॉज होती है और पेशेंट एप्रीहेंशन एंड अनसर्टेनिटी भी कॉज हो सकती है पेशेंट में, ठीक है। इस उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंटिलेशन के बारे में। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन मीन्स मूवमेंट्स ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट करवाना ही वेंटिलेशन कहलाता है। और जो पर्पस होता है वेंटिलेशन का, चीफ पर्पस ऑफ वेंटिलेशन क्या होता है? सप्लाई फ्रेश एयर, ठीक है, और मेंटेन ए प्रॉपर ह्यूमिडिटी, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ एयर मूवमेंट है वो कितनी होती है? नॉर्मली 15-45 फीट पर मिनट या फिर 1-3 माइल्स पर आवर की होती है। और एयर जो होती है वो कैसे मोशन होता है एयर का, कैसे हम वेंटिलेशन को मेंटेन रख सकते हैं? बाय ओपनिंग डोर्स एंड विंडोज, ठीक है, और डोर्स एंड विंडोज को खोल देना चाहिए, और या फिर फैन का यूज़ करके भी वेंटिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, या फिर एयर कंडीशनर से भी। और उसके अलावा और जो एडिक्वेट वेंटिलेशन होता है वो, उसके लिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो एडिक्वेट वेंटिलेशन होता है वो जो ऑक्यूपाइड एरियाज होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, उनके अंदर जो एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड, इसके अलावा जो इन्फेक्टेड जो पेशेंट होते हैं ना, कि जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे इन्फेक्शन हो या एयरबोन ट्रांसमिशन इन्फेक्शन हो, ऐसे पेशेंट अगर सेम एरियाज को शेयर कर रहे हैं, जैसे सेम एक ही रूम में है पेशेंट या फिर उनके बेड पास पास में है, अगर एक ही एरिया को शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वहाँ पे, ताकि जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं उनका डाइल्यूशन हो सके या फिर वो वहाँ से रिमूव हो सके। और जब अब देखते हैं एयर फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। अगर जितना पॉसिबल हो उतना एयर का फ्लो क्या होना चाहिए, जो रूम के अंदर एयर होती है वो उसका फ्लो टॉप से होना चाहिए रूम के, ठीक है, और रूम से जो एयर आउट होती है वो बॉटम से होनी चाहिए, क्योंकि जो रूम का बॉटम या फिर फ्लोर जो होता है वो मोस्ट
कंटामिनेटेड पार्ट होता है रूम का, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं लाइटिंग। तो लाइटिंग भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कंफर्टेबल के लिए। जो प्रॉपर लाइटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। और ये दो तरह से प्रोवाइड की जा सकती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और जो लाइट की अमाउंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो यूज ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है कि लाइट का क्या यूज हो रहा है, किस समय यूज हो रहा है, उस पे डिपेंड करती है। और अब देखते हैं सफिशियंसी। जो सफिशियंट लाइट जो होती है वो जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो ऑल वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें सफिशियंट लाइट प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि सेफ मूवमेंट्स हो सके स्टाफ का एंड पेशेंट्स का, ठीक है। और इसका जो इसके अलावा जो जो इफिशियंसी विजन होता है उसके लिए भी लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब देखते हैं लाइटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। लाइटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे एक रूम में लाइटिंग है तो पूरे रूम में यूनिफॉर्म फॉर्म में लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और सेम इंटेंसिटी से लाइटिंग होनी चाहिए ओवर होल फील्ड वर्क, ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या होता है कि जो लाइट है उसको पेशेंट के डायरेक्ट फेस या आई से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो एक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट होता है लाइट का उसको उससे भी प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव लाइट क्लाइंट के रेस्ट में डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिम लाइट में जो होते हैं, और बहुत ज़्यादा डिम लाइट भी जो होते हैं वो भी पेशेंट के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसमें पेशेंट अगर कुछ रीड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। अगर बहुत ज़्यादा डिम लाइट होगी तो पेशेंट उठ के अगर वॉशरूम जाना चाह रहा है, कहीं भी जाना चाह रहा है, तो उसमें अगर डिम लाइट होगी तो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उससे टकरा के पेशेंट गिर भी सकता है, ठीक है। तो वो भी एक इंजरी का कॉज हो जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, और अमाउंट ऑफ लाइट भी किस पे डिपेंड होनी चाहिए, जो काइंड ऑफ वर्क, जो किस तरह का काम है उस पे डिपेंड होनी चाहिए, या यूजेज ऑफ लाइट पे डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। और जो लाइट का यूज़ है वो किस कंडीशन पे होना चाहिए कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग लाइट का यूज होना चाहिए, या फिर टाइम ऑफ द डे, मतलब डे का टाइम क्या है उसके अकॉर्डिंग भी लाइट का यूज होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर। ऑर्डर इज अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर से प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये गुड वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ऑर्डर कंट्रोल होने में हेल्प हो सके। और जो वेस्ट होता है उसको प्रॉपर रिमूव होना चाहिए वेस्ट, और उसका डिस्कार्ड होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। और उसके साथ साथ गुड पर्सनल हाइजीन भी होनी चाहिए पेशेंट की और स्टाफ की, दोनों की, जिसके कारण अनप्लीजेंट ऑर्डर को एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल रिमूव, जो ओपन फूड्स हैं जो पेशेंट की सराउंडिंग्स में, पेशेंट की यूनिट में जो ओपन फूड रखा हुआ है उसको तुरंत रिमूव करना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ओपन फूड रोडेंट्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ओपन फूड को वहाँ से हटा देना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए फूड का और वेस्ट मटेरियल्स का, ठीक है। और कुछ इसके साथ साथ कुछ और की एक्टिविटीज़ भी होती है जिनके कारण भी जो प्रेजेंस ऑफ वेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, और फूड हाइजीन, या फिर वेस्ट वाटर ड्रेनेज एंड क्लीन इन्वायरमेंट, इन सब से
क्या होता है कि जो पेस्ट है या फिर जो मतलब वेक्टर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो होल हॉस्पिटल है, पूरी हॉस्पिटल में उसके सराउंडिंग्स में वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, जिसके जिसकी वजह से पेस्ट से प्रिवेंशन हो सके। और उसके अलावा डीडीटी पाउडर का स्प्रे भी किया जा सकता है, ठीक है। डीडीटी पाउडर का स्प्रे होना चाहिए और फ्यूमिगेशन भी होना चाहिए पेशेंट की यूनिट में या फिर उसके रूम में। फ्यूमिगेशन करके भी पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर इसके अलावा कोई और अदर प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उसका यूज़ भी किया जा सकता है फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम पेस्ट। ठीक, ओके, थैंक यू।